हेलो दोस्तों, वी आर क्वेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हमेशा की तरह ही एक समलैंगिक गे लव स्टोरी लेकर के आए हैं। ये कहानी हमारी ही रिक्रिएटेड स्टोरी है। ये स्टोरी दो लड़कों की है जो बस इत्तेफाक से मिलते हैं और दोनों के बीच कुछ हो जाता है जो कि आगे आपको स्टोरी में पता चलेगी। दोनों एक ही ट्रेन से NEET का एग्जाम दिलाने के लिए जाते हैं और एक लॉज में एक रूम शेयर करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो चलिए बिना समय गंवाए आपको स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। ये कहानी अनुराग की है जो मध्य प्रदेश में रहता है। 12th के एग्जाम के बाद नीट के एग्जाम के लिए उसे शहडोल से जबलपुर जाना था और तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। अनुराग के और भी दोस्त थे जिनका एग्जाम सेंटर मध्य प्रदेश का जबलपुर ही था, पर सभी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे और रिजर्वेशन करा रखा था। अनुराग ये शायद दूसरी बार ट्रेन में सफर कर रहा था। काफ़ी कम उम्र थी और इस उम्र में लोग थोड़े डरे हुए भी होते हैं और खुद को एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं। अनुराग का रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, इसलिए वो जनरल डब्बे में सफ़र करने के लिए मजबूर था। एग्जाम की वजह से ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जनरल डिब्बे में भी पैर रखना मुश्किल हो रहा था। अनुराग के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था ये। काफ़ी देर तक अनुराग ऐसे ही गेट के पास खड़ा रहा धक्के खाते हुए। अनुराग ये सब कुछ पहली बार झेल रहा था, कहीं भी कोई जगह नहीं थी और अनुराग बिल्कुल कंफर्टेबल भी नहीं था, पर एग्जाम दिलाना भी ज़रूरी था। अनुराग काफ़ी देर खड़ा रहा, तभी उसे किसी ने ऊपर से आवाज़ दी। अनुराग ने जब ऊपर की ओर देखा, उसे कोई लड़का इशारे से ऊपर लगेज रैक पर बैठने के लिए कह रहा होता है। वैसे तो ऊपर भी लोग लटके हुए थे, तो भी अनुराग को लगा कि खड़े रहने से ऊपर बैठ जाना ही ठीक है। अनुराग ने अब पैर कैसे भी करके ऊपर खींचते हुए खुद को चढ़ करके बैठ गया। अपना बैग उसने सबसे पहले तो उस लड़के को दिया और फिर उस लड़के के साथ बैठते ही एक लंबी सांस ली। अनुराग ने उसे थैंक्स कहा। उस लड़के का नाम ब्रजेश था। ब्रजेश उसे टकटकी लगाए देख रहा था। ब्रजेश ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। अनुराग ब्रजेश को देखता है और काफ़ी अपना सा एहसास होता है उसे भी। दोनों ने स्माइल की और फिर ब्रजेश ने पूछा कि पहली बार सफ़र कर रहे हो क्या? अनुराग ने कहा कि नहीं, पहली बार तो नहीं है बल्कि दूसरी बार है ये, पर ऐसी कभी जनरल बोगी में नहीं सफ़र किया था, ये मेरे लिए नया है। ब्रजेश ने बताया कि वो अनुराग को काफ़ी देर से भीड़ में देख रहा था और ऐसे ही रास्ते में दोनों बात करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। ब्रजेश ने बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया और फिर एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। ब्रजेश ने अपना टिफिन अनुराग के साथ शेयर किया। ब्रजेश को अनुराग का नेचर और बात करने का तरीका सलीका बहुत अच्छा लगा और अनुराग को भी ब्रजेश का हेल्पिंग नेचर काफ़ी इम्प्रेस करता है। अनुराग की घबराहट थोड़ी कम होती है, उसे एक दोस्त की तरह कोई मिल जो गया था। दोनों अब जबलपुर पहुंचने वाले होते हैं। रात के लगभग 8 बज गए थे। प्लेटफॉर्म आते आते दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और जाने से पहले एक दूसरे को हग करते हैं और एग्ज़ाम के लिए विश भी करते हैं। अब ब्रजेश रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर अपने साथ आए दूसरे दोस्तों से पूछता है कि रुकने का क्या सोचा है, क्योंकि जब ब्रजेश जिसके यहाँ रुकने वाला था उसे कॉल जो करता है रिसीव नहीं करता। सभी अपने किसी रिलेटिव्स या फिर जान पहचान वाले या फिर भैया के घर रुकने वाले थे। रास्ते में ब्रजेश ने अनुराग से बताया था कि वो दोस्तों के साथ रुकेगा। दूसरी तरफ अब अनुराग भी अकेला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रहा और ऑटो वाले उसे परेशान करते रहे। तभी अचानक बगल में ब्रजेश आया। उसने बोला कि तुम्हारा सेंटर कहाँ है? अनुराग ने बोला कि चाइना टाउन के पास में ही है।
ब्रजेश ने बोला कि कहाँ रुक रहे हो? दोस्त के यहाँ या कोई होटल? अनुराग ने कहा कि चाना टाउन के पास कोई होटल या लॉज देख लूँगा, वैसे भी इतनी भीड़ है मुझे नहीं लगता कि कुछ मिल पाएगा, पर देखता हूँ। ब्रजेश ने कहा कि मेरा भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। जिसके घर रुकने वाला था उसका कॉल नहीं लग रहा और दोस्त भी अपने रिलेटिव्स के घर रुकने वाले हैं। ब्रजेश ने कहा कि चलो साथ ही कोई होटल या लॉज देखकर रुक जाते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और सुबह 8 बजे एग्ज़ाम भी है। दोनों काफ़ी ढूंढते हैं पर कहीं पर भी उन्हें कमरा नहीं मिलता, पर मुश्किल से एक छोटा सा लॉज मिल जाता है। खैर, अनुराग को इस बात से थोड़ी राहत मिली थी, वो खुश हो जाता है। उसके लिए ब्रजेश कहीं ना कहीं से भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता उसे लगने लगा था। और दोनों चाइना टाउन के पास तक ऑटो में ही जाते हैं और लॉज में स्टे करते हैं। जैसे ही लॉज मिल जाता है, ब्रजेश बैग साइड में रख के अपने कपड़े उतार के रिलैक्स्ड फील करता है और वो सिर्फ अंडरवेयर में वहाँ सामने खड़ा हो जाता है। अनुराग को ये देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है, पहले तो ऑकवर्ड लगा फिर इंटरेस्ट भी लेता है। ब्रजेश के लिए सारा एक्सपीरियंस नया था, पहले तो अनुराग शर्माता है और काफ़ी अजीब सा उसे लगने लगता है, लेकिन धीरे 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 अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। दोनों ही नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, एक ही उम्र के थे जो दोनों के दोनों। ब्रजेश भी अनुराग से कहता है कि गर्मी काफ़ी है, जब तक ये लोग कूलर ऑन करके नहीं जाते हैं, सफ़र वाले कपड़े उतार दो, अच्छा फील करोगे, हल्का लगेगा। ब्रजेश काफ़ी फ्रेंडली होने लगता है और अनुराग को जल्दी खुलने की आदत भी नहीं थी किसी के सामने, पर ब्रजेश के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। अब ब्रजेश अनुराग से कहता है कि जल्दी नहा लो क्योंकि रात के 10 बज रहे होते हैं और रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं रात को, कल एग्ज़ाम है तो आराम भी तो करना ज़रूरी है। अनुराग जल्दी से नहाने के लिए पहले चला जाता है, तभी पता नहीं ब्रजेश को क्या होता है, कुछ खुरापात सोचता है या क्या ही चल रहा था उसके दिमाग में। पीछे से ब्रजेश की आवाज़ आती, कहती कि बाथरूम बंद ना करना, मैं भी आता हूँ साथ में, दोनों साथ ही नहा लेते हैं ताकि लेट ना हो यार, एक एक करके नहाएंगे तो रात को 12 बज जाएंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अनुराग को अजीब तो लगता है पर क्या कहता, मना भी नहीं कर पाया। अब इतना बोलकर ब्रजेश अपने कपड़े उतार कर नहाने चला जाता है। दोनों नहाने लगते हैं तभी ब्रजेश अनुराग को अपनी पीठ पर साबुन लगाने के लिए कहता है कि खुजली हो रही यार, साबुन लगा दे। अनुराग भी बिना कुछ सोचे समझे पीठ पर साबुन लगाने लगता है। जैसे अनुराग ब्रजेश के पीठ को छूता है उसे एक अलग सा एहसास होने लगता है, एक आकर्षण महसूस होता है उसकी बॉडी की तरफ। अनुराग समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी लड़के को छूना उसे अच्छा लग रहा था। अनुराग लगातार ब्रजेश की पीठ को सहलाने लगा। ब्रजेश थोड़ा नटखट था जैसा कि मैंने बताया, उसने अनुराग से कहा कि तुम्हारे भी लगा दूं क्या? अनुराग शर्मिला था, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लगवानी है, मैं बस ऐसे ही नहा लूँगा। ब्रजेश कहता है कि फिर ठीक है यार, कहीं तो लगवा ले, जहाँ लगवानी है वहीं लगा दे, मैं लगा देता हूँ, तुम्हें हेल्प भी हो जाएगी। फिर ब्रजेश अनुराग के मस्ती मस्ती में अंडरवेयर में साबुन डाल देता है। अब गुस्सा आने लगता है अनुराग को कि ये कैसी मस्ती है, और पीछे से वो टच भी करने लगता है। अनुराग को ये बदतमीजी लगी, वो ब्रजेश पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये क्या मजाक कर रखा है, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? ब्रजेश कहता है कि अरे यार सॉरी, मजाक ही तो किया, इतना क्यों नाराज़ होते हो? चलो सॉरी बाबा, जल्दी करते हैं, नहा धो के निकलते हैं वरना भूखे मरेंगे रात को। अनुराग का मन तो ख़राब हो गया था पर फिर उसने खुद को शांत किया। अनुराग कपड़े चेंज करता है, टॉवल एक ही होती है बाहर, तो ब्रजेश बिना टॉवल के ही अनुराग के सामने ही कपड़े बदलने लगता है। अब ये देखते हुए अनुराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि कोई जवान लड़का उसके सामने ऐसी हरकत करेगा बिना टॉवल के, वो भी अनजान। खैर, अनुराग को शर्म आती है, वो आंखें बंद तो कर लेता है पर इंटरेस्टेड भी होता है देखने के लिए। फिर ब्रजेश अनुराग को देखकर स्माइल करता है। अनुराग को ब्रजेश के लिए फीलिंग्स आ रही थी। दोनों बाहर साथ डिनर करने के लिए जाते हैं थोड़ी देर में, और खाना खा लेने के बाद दोनों ही बिल आपस में स्प्लिट करके वापस अपने लॉज में आ जाते हैं। रात के लगभग 12 बजने वाले होते हैं और ब्रजेश अंडरवेयर में सोने लगता है और अनुराग लोअर में, दोनों अगल बगल ही थे, बहुत पास पास।
ब्रजेश अनुराग से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि यार तेरे होंठ बहुत खूबसूरत है, काफी पिंक और शेप में, काश मेरे वाले के भी ऐसे ही होते। मुझे तेरे होंठ मेरे क्रश की तरह ही लग रहे हैं, तेरे भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या या कोई क्रश? अनुराग कहता है कि कैसी बातें कर रहा है, मेरी तो कोई नहीं है। ब्रजेश कहता है कि इसका मतलब तूने कभी किसी को किस नहीं किया? अनुराग कहता है कि यार सोने देना, कल एग्जाम है। ब्रजेश नहीं मानता, वो कहता है कि यार एग्जाम के बाद कहाँ तू मुझे मिलने वाला है, हम तो आज साथ में हैं कल नहीं होंगे। अनुराग को पीछे से वो हक कर लेता है और अपने पैर उस पर चढ़ा देता है। अनुराग पूछता है कि यार क्यों नहीं सोने देता, क्या है ये सब, एक तो इतनी गर्मी है, कूलर भी काम नहीं कर रहा ठीक से। ब्रजेश कहता है कि तू मुझे अपना सा लग रहा है यार, मुझे तू पसंद है। अनुराग से ब्रजेश आई लव यू कह देता है। अनुराग ये सुनकर मुस्कुराने तो लगता है उसके ऐसी बातों पर। वो जब देखता है कि लाइट्स ऑफ हैं और कमरे में सिर्फ अनुराग है, वो तो खुद पर काबू नहीं कर पाता। ब्रजेश शायद जानता था अपने बारे में बहुत अच्छे से, और फिर वो अनुराग को तंग करने लगता है इधर उधर टच करके। अनुराग बेड से उठ के लाइट्स ऑन करता है और कहता है कि सोने देगा या नहीं ये बता दे। ब्रजेश कहता है कि यार तेरे पर प्यार आ रहा। अनुराग हंसता है और कहता है कि तू पागल हो गया है, कुछ भी कह रहा है, हम आज ही मिले हैं, हम ठीक से जानते हैं एक दूसरे को और हम लड़के हैं यार। ब्रजेश कहता है कि एक बार किस करने दे फिर सोने दे दूंगा तुझे और तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अनुराग नहीं मानता और वो बुक निकाल के पढ़ने लगता है। ब्रजेश को लगता है कि ज़्यादा ही कर दिया शायद उसने, फिर वो कहता है कि ठीक है सो जा, नहीं तंग करता। जैसे अनुराग लाइट्स ऑफ करके सोने लगता है, ब्रजेश फिर से कहता है तेरे होंठ मेरी क्रश के होंठ से मिलते हैं, इसलिए तुझे घमंड हो रहा है ना, ठीक है यार मत किस करने दे, कोई भी ऐसी हरकत मैं नहीं करूँगा जिससे तुझे बुरा लगे। खैर फिर भी कोई देख तो नहीं रहा ना यहाँ पे, एक किससे तेरा क्या ही चला जाएगा, कौन सी तेरी इज्जत लूट लूँगा मैं। अनुराग को भी ब्रजेश के लिए थोड़ा पता नहीं क्यों, कमरे में कोई नहीं था तो आकर्षण तो हो ही रहा था, फीलिंग आ ही रही थी। वो कहता है कि ठीक है तेरी इन बकवास बातों के बावजूद मैं तैयार हूँ, एक बार कर ले किस और फिर चैन से सोने दे यार मुझे। ब्रजेश इतना सुनते ही वो ग्रीन सिग्नल समझ लेता है, अनुराग के होठों को चूमने लगता है और बहुत शिद्दत से उसका साथ उसके हर एक पहलुओं को अपने हाथों से टच करते हुए, बालों को छूते हुए एहसास के साथ किस करता है, उसे बाहों में भर लेता है और प्यार देने लगता है। अनुराग का ये पहली किस थी, पहला किस। अनुराग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक अजीब सा अनुभव होता है। ब्रजेश अंडरवेमेंट होने के कारण अनुराग को उसकी पूरी बॉडी की हार्डनेस, उसकी फीलिंग, हर एक चीज़ वो फील कर पाता है। अनुराग भी अब काफ़ी अजीब सा महसूस करता है, उसके शरीर में बिजलियां दौड़ने लगती है उस एहसास की जो पहले किस के बाद होता है। वो किसिंग में ब्रजेश का साथ देने लगता है। ब्रजेश अनुराग को यूं ही 30-35 मिनट तक अपनी बाहों में लिए प्यार देने लगता है और अनुराग को हर तरीके से अच्छा महसूस कराता है, जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा अपने पार्टनर को कराता होगा। और फिर अनुराग को ब्रजेश का काटना, निचोड़ना बहुत अच्छा लगने लगता है, उसे यह एहसास जन्नत सा लग रहा था। ब्रजेश ने अनुराग के कपड़े उतार दिए और एक क्रीम निकाली, अनुराग को बहुत मज़ा आ रहा था, वो मना भी नहीं कर पा रहा था। अब दोनों बिल्कुल बेशर्म हो चुके थे, कोई पर्दा नहीं था एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के बदन को घूर रहे थे, देख रहे थे, और वो हो रहा था जो शायद अनुराग ने कभी सोचा भी नहीं था। अनुराग ने सब कुछ करने दिया और एक दर्द के साथ अनुराग ने ब्रजेश पर अपना पूरा जिस्म उड़ेल दिया। अनुराग का ये पहली दफ़ा था, पहला शारीरिक संबंध था, और दोनों ने इस संबंध को, इस एहसास को खूब मज़े के साथ जिया। और दोनों जब चीज़ें हो गई, दोनों थक करके एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अब ब्रजेश जो चाहता था वो तो उसे मिल गया था, पर क्या ये अनुराग के लिए अच्छा था? क्या ये प्यार हो सकता है या फिर किसी
हुकअप का रूप लेकर ये सारा कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मेरा मानना है कि दोनों जवान हैं और समलैंगिक भी, इसलिए बहक गए होंगे और एग्जाम दिलाने आए ये दोनों आगे चलकर शायद एक दूसरे को याद भी ना रखें। पर आगे क्या होना है वो जानने के लिए हमें इसका अगला पार्ट भी सुनना होगा, जो कि कल सुबह 5 बजे आएगी। तो इंतज़ार करिए बस कल सुबह तक का। स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने और दोस्तों के साथ जिन्हें ऐसी खूबसूरत LGBTQ पर बेस्ड स्टोरीज पसंद आती होंगी। आज के लिए दोस्तों तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। निलय का ढेर सारा प्यार। लव इज़ लव।